पिंकी के पति कमलेश की दुकान पर गांव का गुंडा दादा आता है और धमकी देकर जाता है कि अगर उसने एक लाख रुपए नहीं दिए तो वो दुकान तोड़ देगा घर में सभी परेशान होते हैं। अरे सत्यानाश हो उस जग्गू का अच्छा खासा लड़का था पता नहीं क्यों गुंडागर्दी करने लगा किसी की भी जमीन हड़प लेता है और अब हमारी दुकान के पीछे पड़ा है नाश पीटा मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेटा मैं तो कह रही हूं कि एक लाख रुपए दे दो और छुट्टी पाओ इस दादा से नहीं माँ मेहनत की कमाई है ऐसे कैसे दे दू मैं तो एक रुपया भी नहीं देने वाला उसे अरे पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे पर जान है तो जहान है नहीं पिताजी मैं नहीं दूंगा पैसे मैंने फैसला कर लिया है पिंकी कमरे में आकर सोचने लगती है मेरे पति के ऊपर ये कैसी मुसीबत आ गई है हे भगवान, क्या करूं मैं तभी उसे जादुई पत्थर से आवाज सुनाई देती है दंदरा दंदरा दंदर जो चाहे वो तू बन। अरे हाँ मैं भी कितनी भुलकड़ हूँ मेरे पास तो जादुई पत्थर है पर मैं क्या करूँ? जग्गू दादा तो बहुत बड़ा गुंडा है उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी पर मुझे ये करना ही होगा पिंकी प्लान बनाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया बताती है सुनिए मेरे पास एक प्लान है आप जग्गू दादा को पैसे देकर उन्हें घर पर खाने पर बुलाइए सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं लो और सुनो अरे वो तुम्हारे दूर के चाचा नहीं है जिसको खाने पर बुलाया जाए जग्गू दादा है इस गांव में सबसे अमीर और एक नंबर का गुंडा ओफो मैं जो कह रही हूँ वो करके तो देखिए मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल के बाद जग्गू दादा हमें कभी परेशान नहीं करेगा पिंकी के कहने पर कमलेश जग्गू दादा को रुपया देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है अरे भाई मानना पड़ेगा कमलेश काफी तरक्की कर लिया है तुमने एक लाख रुपए तो बड़ा ही कम डोनेशन था <laughs> जग्गू दादा सूफी पर बैठता है और सबसे मिलने लगता है अरे भाई लता माफी ठीक तो हो ना सुना है घुटने में बहुत दर्द रहता है हाँ बेटा पर तुझे कैसे पता चला अरे जग्गू दादा सारे गांव की खोज खबर रखता है और वैसे भी मेरी माँ और आप तो बचपन की सहेलियां थी ना तो आप तो हमारी हुई। <laughs> मौसी हुई मौसी कहकर एक लाख रुपए का चूना लगा रहा है कम वक्त <laughs> तभी बेल बजती है और कमलेश दरवाजा खुलता है तो सब दंग रह जाते हैं अरे एमपी साहब आप आइए आइए आप कमलेश को कैसे जानते हैं और भाई कमलेश हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं और मैंने सुना है कि आप इनकी दुकान हड़पना चाहते हैं इनसे चंदा भी मांगते हैं आप <laughs> अरे एमपी जी वो तो बस थोड़ा धंधे में मंदी चल रही थी तो गांव वालों से थोड़ी मदद मांग ली <laughs> देखो जग्गू दादा होंगे दादा तुम अपने घर के ये हमारे पहचान के लोग हैं इनके साथ तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल देंगे समझे फिर वहां बाकी कैदियों से चंदा मांगते फिरोगे क्या जगू घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है जी जी मैम पी जी समझ गए हम चलते हैं आ, हमें माफ कर दो कमलेश बाबू <laughs> अरे बेटा खाना तो खा लेता अरे जग्गू जग्गू दादा को भागता देख एमपी के रूप में बदली पिंकी हंसने लगती है और सब एमपी के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं आ, आपको कैसे पता चला एमपी साहब के जग्गू हमें परेशान कर रहा था आपकी बहू पिंकी है ना बड़ी ही समझदार है वो मेरे ऑफिस आई और मुझसे मदद मांगी क्या पिंकी ने ये सब किया पिंकी अपने रूप में वापस आ रही होती है आ... अच्छा मैं चलती हूं चलता हूं मेरा मतलब है अरे ऐसे कैसे आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते आइए आइए नहीं नहीं फिर कभी मुझे जाने दीजिए पिंकी भागती है अरे इन्हें किस बात की जल्दी थी लगता है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी माँ हाँ भाई बड़े लोग हैं दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज बहू की वजह से सब सही हो गया पर बहू है कहाँ पिंकी घर से दूर भागते भागते अपने रूप में वापस आ जाती है ऊफ़ बाल-बाल बच गई आज तो